क्या लड़कियों को वाग्रा लेनी चाहिए? जब हम मेल्स को वाग्रा रेकमेंड करते हैं स्पेशली इन इमरजेंसी केसेस, तो उनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मैम क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिला दूं, क्या ये मेरी वाइफ को भी खिला दूं, उसका ना बिल्कुल ही टाइमिंग नहीं है, उसको मन ही नहीं करता, क्या मैं उनको ये वाग्रा दे सकता हूं, क्या ये उन पे काम करती है जो ये छोटी सी वाग्रा की गोली आप लेते हो? चलिए बात करते हैं। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको भी लगता है आपकी वाइफ का टाइम कम है तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, करने का मन नहीं कर रहा तो भी देखें, ताकि हम जान सकें कि क्या और खिलाऊं ताकि एटलीस्ट उनका जो ये मन है वो मेरी तरफ हो जाए। सबसे जो मेन उसका इम्पैक्ट है वो ये है कि वो आपके पेनिस एरिया के आसपास ना ब्लड फ्लो इंक्रीज करती हैं। तो जब फीमेल के वजाइनल एरिया के पास ब्लड फ्लो इंक्रीज हो भी जाएगा तो भी एक्चुअली वो उनका सेक्स की पावर या ऑर्गेजम को इंक्रीज नहीं करने वाला है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फीमेल की जो सेक्शुअल इंटेंसिटी है ना वो दिमाग से नीचे जाती है, वेर एज मेल्स में ये नीचे से ऊपर है। मतलब अगर आपके पेनाइल एरिया में इरेक्शन आ रहा है या आपको फीलिंग आ रही है तो आप डेफिनेटली सेक्स कर सकते हो, आपका मन करेगा। बट अगर फीमेल मेंटली अराउज नहीं है और उनका ब्लड फ्लो बॉडी में ज्यादा भी है तो भी वो परफॉर्म नहीं करेंगी। तो अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को वाग्रा दे भी रहे हो, स्पेशली वो गोली जो आप खा रहे हो, वो सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने वाली है, उससे उनको फीलिंग आएगी या करने का मन करेगा वो नहीं होगा। दूसरा जो बहुत बड़ा प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना है कि वाग्रा में जो कॉम्पोनेंट्स है ना वो मेल की बॉडी के लिए है, फीमेल की बॉडी के लिए नहीं है। अगर आप उन्हें वाग्रा देते भी हो, स्पेशली जो आप खा रहे हो उसमें उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनको आगे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको काफ़ी इरिटेशन फील हो सकती है, एंगर इश्यूज काफ़ी हो सकते हैं, तो उनकी बॉडी का जो लेवल है ये उससे बहुत ही अधिक है जो उनको साइड इफेक्ट ज़्यादा देगा रैदर देन कि उनको सेक्शुअली कहीं ना कहीं इंक्लाइन करें। इवन रिसर्चेस ने भी ये पाया है कि 100 में से व्याग्रा सिर्फ 10-15% लेडीज पे काम करती है अगर हम उन्हें दे भी देते हैं तो। स्पेशली फीमेल फॉर्मुलेटेड व्याग्रास भी आती हैं लेकिन उनके स्तर काफी काफी कम है और उनके साइड इफेक्ट ज्यादा और यूसेज ना के बराबर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉमन चीजें हैं जो कि पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये उसकी तरफ फीलिंग नहीं आ रही, तो सबसे पहली चीज क्या करो, उनको इमोशनली बहुत सैटिस्फाई रखो, काफी सारी बातें करो, कडल्स करो, सेंसुअलिटी लाओ, नहाने चले जाओ, साथ में कुछ बातें कर सकते हो, कुछ ड्रिंक ले सकते हो। इस तरह की कडलिंग्स आपको ऐड करनी पड़ेगी अगर आप अपने पार्टनर का रोज मूड बनाना चाहते हो। साथ साथ जो ये वर्बल कनेक्शन होता है ना, आज करें क्या, आज तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है, अच्छा यार तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, इस तरह की एप्रिसिएशन जितनी ज़्यादा कडलिंग और इमोशनल बॉन्ड होगा ना, आई एम श्योर आपकी वाइफ आपको रोज भी करने के लिए कह सकती है, क्योंकि ये चीज़ें उसके मन से आती हैं, उसकी बॉडी से नहीं आती, तो वाग्रा इन केसेस में वहाँ काम नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके फीमेल पार्टनर का थकावट रहती है, वो नहीं करती है, उसके बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ रही है, प्लस कई फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है, तो इन दोनों सप्लीमेंट्स को ऐड कर लो जो कि नेचर मेनिया के हैं, प्रमाणित हैं, आयुष सर्टिफाइड है, और 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, फीमेल के लिए एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, सब नेचुरल है। टेसअप कैप्सूल्स दिन में एक बार और विटअप कैप्सूल्स दिन में दो बार वो ले सकती हैं, जिसमें D, B12 सारी एफिशिएंसीज को पूरा किया गया है। तो इन दोनों का जो ये कॉम्बो है, टेसअप और विटअप, अ ब्लैक एंड अ वाइट सप्लीमेंट, दिस विल हेल्प योर वाइफ कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा मन करे, आयुष प्रमाणित है, सेफ है, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इनको ले और चेंजेस देखें अपनी सेक्शुअल लाइफ में, और वाग्रा से खुद भी और अपनी वाइफ को दूर रखें। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें।